अब आप सोच रहे होंगे जसप्रीत हो गया कमला, वो कुकर में ही छिलके डाली जा रहा है। कमले ममले नहीं हुए हैं यार, हम बनाने लग रहे हैं वेजिटेबल स्टॉक और उसके साथ हम बनाने लग रहे हैं सूप, क्योंकि मुझे हल्का हल्का जुकाम लग रखा है। सर्दियां आ रही हैं और जुकाम का सीज़न आ रहा है, जैसे ही मौसम चेंज होता है ना मेरा गला बैठ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप। तो सूप की रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, सूप के साथ मैं आपको देने जा रहा हूँ वेजिटेबल स्टॉक की भी रेसिपी, तो वो भी आएगी इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल, मैं हूं जसप्रीत आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप। तो स्वीट कॉर्न सूप के लिए हम पहले सारे वेजिटेबल्स के छिलके एक पॉट में डाल लेंगे और बना लेंगे वेजिटेबल स्टॉक। तो सबसे पहले गाजर छील लेते हैं। यार आई लव सर्दियों की गाजर, मतलब कुछ सब्जियां होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है सर्दियों में, जैसे गाजर होगी, मटर हो गए, वो मुझे बहुत पसंद है। मेथी तो मेरे लिए निरा इश्क है। ऐसे ही एक और गाजर और एक गाजर विद छिलका चॉप करके डाल देंगे, मोटे मोटे पीसेस डाल देंगे, साथ ही प्याज के छिलके डाल देंगे, एक प्याज के छिलके और एक पूरा प्याज ही डाल देंगे 1/4 करके। उसके बाद थोड़ी सी लहसुन की क्लोव्स विद छिलके, साथ ही ब्लैक पेपर, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी धनिया की स्टेम्स, वैसे सेलरी जाती है और जाती है लीक, बट हमारे पास ना लीक है ना सेलरी, तो हम डालेंगे ये कोरिएंडर की स्टेम्स, धनिया की स्टेम्स। अब ये आलू छील के डाल देते हैं। अब सिंस आलू जल्दी काले होने लग जाते हैं तो हम एक बाउल में पानी डाल लेंगे और उसी में आलू रख देंगे ताकि ऑक्सीडाइजेशन रुक जाए और आलू काले ना हो। अब इनको रखते हैं साइड में। अब मेरे पास कैबेज भी है तो कैबेज की भी ये स्टेम भी डाल देते हैं और थोड़े से छिलके भी डाल देते हैं। अब इसमें डाल देंगे पानी। अब लगभग 1.5 लीटर के करीब मैं पानी डाल चुका हूं इसमें। अब आप सोच रहे होंगे यार मैंने शेविंग्स क्यों डाली है सारी चीजों की। शेविंग्स मैंने इसलिए डाली है ताकि हमारे जो फ्लेवर्स है शेविंग्स के अंदर या छिलकों के अंदर वो वेस्ट ना हो, उन्हीं से स्टॉक बनता है। अब स्टॉक होता क्या है, स्टॉक इज अ फ्लेवरफुल लिक्विड और फ्लेवरफुल वाटर विच हैज फ्लेवर्स ऑफ वेजिटेबल्स इन केस ऑफ वेजिटेबल स्टॉक, और इन केस ऑफ चिकन स्टॉक इट हैज द फ्लेवर ऑफ चिकन, और इन केस ऑफ मटन स्टॉक इट हैज द फ्लेवर ऑफ मटन। तो चिकन और मटन के केस में हड्डियां डाली जाती हैं चिकन और मटन की। अब हमारी वेजिटेबल स्टॉक है तो हमने सारी शेविंग्स डाल दी हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां और डाल दी हैं, तो ये फ्लेवर्स हम स्टॉक बन रहा है। इसको बॉयल होने देंगे, पहले एक बॉयल आने देंगे उसके बाद सिमर कर देंगे, लगभग आधा घंटा इसको सिमर करना है, इसकी कार्रवाई होती रहेगी। मेन वाइल हम सब्जियां काट लेते हैं, तो सबसे पहले अनियन चॉप कर लेते हैं। कैरेट भी काट लेते हैं। अब सारी सब्जियां फाइनली चॉप करनी है, जैसे हम कैबेज ले रहे हैं वो फाइनली चॉप, कैप्सिकम ले रहे हैं वो फाइनली चॉप, कैरेट्स एंड बीन्स सब फाइनली चॉप। ये गाजर डाल ली है, अब बाकी की सब्जियां जैसे कैप्सिकम, बीन्स और कैबेज सब चॉप कर लेते हैं। सब्जियां काटते काटते इसको बॉयल भी आ गया, अब टाइम है इसको सीजन करने का। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट, वैसे ब्लैक पेपर डाल रखी है, ब्लैक पेपर पाउडर भी डालना चाहे आपकी मर्जी है, और इसको कर देंगे सिमर और फिर ढक देंगे। अब कम से कम आधे घंटे सिमर करना है आपने इसको, कम से कम आधे घंटे। अब बैक टू दी चॉपिंग बिजनेस। अब सब्जियां आपकी मर्जी से जाएंगी, जैसे कि गाजर और बीन्स तो इस सूप में कंपलसरी हैं,
वो तो डालनी ही पड़ेंगी। उसके बाद शिमला मिर्च आपके पसंद के कलर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं तीनों कलर डाल रहा हूँ ताकि रंग बढ़ जाए। आप ब्रोकली डालना चाहे ब्रोकली डाल सकते हैं, कैबेज भी ऑप्शनल है, आप गोभी डालना चाहे कुतर के वो डाल सकते हैं, आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं आलू भी डाल रहा हूँ, आलू जाते नहीं है, मैं आलू इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आलू से ना वो जो बाइंडिंग चाहिए होती है वो बाइंडिंग भी आ जाए। ये सब्जियां सारी चॉप हो चुके हैं। अब इस रेसिपी में ना ज्यादा चॉपिंग वगैरह में टाइम लगेगा और स्टॉक बनने में उसके अलावा ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। अब एक काम करना है, एक ग्राइंडिंग जार ले लेना है और ये लगभग 200 ग्राम के करीब हमारी कॉर्न है, इसमें से 2/3 हम कॉर्न निकाल लेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको ग्राइंड करने के लिए थोड़ा पानी भी लगेगा और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये इस टेक्सचर तक आपने ग्राइंड करना है, हल्का सा दरदरा कर लेना इसको। अब ज्यादा काम नहीं है, स्टॉक में 10 मिनट लगेंगे, तब तक हम जिंजर गार्लिक और ये जो धनिया की स्टेम्स है इसको चॉप कर लेते हैं। ठीक है जी, अब सारी कटिंग चॉपिंग हो गई और अब आप चैन का सांस ले सकते हैं क्योंकि रेसिपी सिर्फ 15 मिनट की रह चुकी है। मतलब मैं जानता हूं कि इतनी मेहनत के बाद भी 15 मिनट की, बट ज्यादातर बॉइलिंग वगैरह ही है। तो एक कढ़ाई गरम कर लेंगे अब और कढ़ाई में डाल लेंगे बटर। वैसे ऑयल जाता है बट मुझे ना ये सूप में बटर का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसीलिए बटर और थोड़ा सा ऑयल ताकि बटर जले ना। अब कोशिश कीजिए कि इसमें ऑयल कम जाए क्योंकि अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा पकने के बाद, इसीलिए ऑयल थोड़ा कम। अब इनको गर्म होने देंगे। ठीक है, अब बटर में जिंजर गार्लिक और धनिया, आपने ध्यान रखना है कि जिंजर गार्लिक और धनिया की स्टेम्स ठंडे बटर में जो ठंडे ऑयल में ना जाए। अब ये जिंजर गार्लिक और धनिया पक रहा है, मीनवाइल हमारा स्टॉक भी डन है, इसको बंद करते हैं और इसको निकाल लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं। अब माइंड इट, ये जो लिक्विड है ये है स्टॉक और ये जो सब्जियां हैं ये डिस्कार्ड करने वाली चीज है, ये लिक्विड स्टॉक है, ये रख लेना, सब्जियां डिस्कार्ड कर देना। फिर बता रहा हूं क्योंकि मेरा एक क्लासमेट है, उसने यही गलती कर दी थी, उसने सब्जियां रख ली और स्टॉक फेंक दिया। प्रोफेसर ने बोला था कि बेटा जाके स्टॉक ले आ, वो सब्जियां ले आया स्टॉक फेंक आया, तो वो वाली गलती मत कर लेना। ठीक है जी, अब ये सब्जियां डाल देंगे। अब सब्जियां डालने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट ताकि सब्जियों की कुकिंग तेज हो जाए। अब ध्यान रखिए आपने स्टॉक में भी सॉल्ट डाला है तो सॉल्ट ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए ध्यान से। अब इन सब्जियों में हम ये कॉर्न का पेस्ट भी डाल देंगे। अब कॉर्न के पेस्ट के साथ कॉर्न्स भी, अब एक मिक्स दे देते हैं, साथ ही आलू भी डाल देते हैं। आप चाहे तो स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, वो एक तरह से कंपलसरी ही मान के चलिए स्प्रिंग अनियन, मुझे मिले नहीं इसलिए मैं डाल नहीं रहा, अगर मेरे पास स्प्रिंग अनियन होते तो मैं जरूर डालता। अब इसमें डालेंगे ये स्टॉक। अब आ गई ना सूप वाली रंगत। अब मैंने ज्यादा सब्जियां सिर्फ रंगत बढ़ाने के लिए, कलर्स डालने के लिए डाली है ताकि बच्चों को अट्रैक्ट कर लें वो सब्जियां। अब इसको ढक के पकने देंगे लगभग 10 मिनट के करीब, पहले बॉयल तक तेज पे, उसके बाद स्लो कर देंगे और फिर पकने देंगे। ठीक है जी, अब इसको बॉयल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर ना स्कम आ चुका है, एक आप देख सकते हैं झाग झाग आ चुकी है, वो झाग निकाल देते हैं। तो ये स्कम निकाल दिए सारा, अभी आप देखेंगे सूप थोड़ा पतला पतला सा है, वो गाढ़ा नहीं हुआ है। वो थिकनेस देने के लिए हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इंटू अ बाउल। अब इसमें पानी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसके बाद स्लरी डाल दें उसमें।
अब स्लरी डालते हुए मिक्स जरूर करते रहें। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो स्लरी अंदर जाके जम जाएगी, वो लंप सा बन जाएगा, वो आप चाहते नहीं है, इसीलिए मिक्स करते रहें। अब इस स्टेज पे आप गैस तेज कर सकते हैं और उसके बाद इसको थोड़ी देर चलाइए और बॉयल आने दीजिए। अभी स्लरी के साथ ही थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। वैसे तो कॉर्न से स्वीटनेस आ जाएगी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कॉर्न में ना स्वीटनेस कम होती है, वो स्वीटनेस एनहांस करने के लिए चीनी। अब बॉयल आने लग गया मतलब कॉर्नफ्लावर की स्लरी पक चुकी है। अब कॉर्नफ्लावर की स्लरी पक चुकी है तो उसका स्टार्च एक्टिवेट हो चुका है और वो गाढ़ा करता जाएगा, इसको थिकन करता रह जाएगा। अब इस टाइम पे हम सॉल्ट टेस्ट करके डाल देंगे, साथ ही ब्लैक पेपर, साथ ही थोड़ा सा विनेगर एंड ग्रीन चिली सॉस। ब्लैक पेपर इतनी बढ़िया चीज है ना, आपको सर्दी जुकाम से बचाती है, इनफैक्ट माइग्रेन की शिकायत है तो उससे भी बचाएगी। लुई द 14 फ्रांस के राजा, उन्होंने तो अपने कोर्टयार्ड के शेफ्स को बोल दिया था कि मेरे खाने में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट जाना चाहिए, उसके अलावा कोई स्पाइस नहीं जाना चाहिए। उनको इतनी पसंद थी ब्लैक पेपर और वो फायदे भी जानते थे ब्लैक पेपर के। तो ये सूप डन है, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। मैं कभी भी ना सूप बाउल से नहीं खाता, मैं कप से पीता हूँ। तो अगर आप भी मेरे जैसे ही हैं तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे। और वैसे तो रेसिपी बहुत बढ़िया है, सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में वरदान होते हैं सूप, तो रेसिपी ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी ट्राई करो, उसके बाद फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग, एंड डू ट्राई जल्दी जल्दी।